खंबा गढ़ी मेरे दोस्तों। तो एक और बहुत ही बढ़िया थाली हम आपको दिखाने आ चुके हैं दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है गुजराती और राजस्थानी टच दोनों ही। तो यहाँ पर स्टार्टिंग ही वेलकम ही बहुत ही प्यार के साथ किया गया है, टीका लगाया गया, प्रसाद दिया गया। तो मैं सोच रही हूँ कि आगे हमारी थाली जो है, खाना जो है, वो और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या क्या हमारी इस थाली के अंदर रहने वाला है, प्रसाद चखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, हैंड वॉश करवाया जाता है, वो भी इस तरीके से। तो एकदम हर चीज़ का तरीका जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यार के साथ सर्विंग की जाती है। ये लहसुन की चटनी, तो ये है लहसुन की चटनी, और लहसुन की चटनी राजस्थान की ना बेस्ट होती है, बिना लहसुन की चटनी के तो खाना ही नहीं नीचे उतरता। ये है पपीते का, पपीते का सलाद। ये है खजूर की चटनी, इमली की, खजूर की चटनी। अच्छा, तो मीठी चटनी रहती है ये, और ये है हमारी मिंट की चटनी। तो एकदम बढ़िया, मतलब अलग ही खाने का स्वाद बढ़ जाता है लहसुन की चटनी के साथ। ये मिर्ची का अचार है, जो पेचा है राजस्थान इसके साथ। तो गाइस ये मिर्ची का अचार आ चुका है यहाँ पर। ये प्याज, ये आ गए हैं प्याज। तो भाई स्टार्टिंग ना मतलब बढ़िया है, एकदम चटपटी, खट्टी मीठी। ये आ गया लेमन हमारा। तो ये आगे गुजराती स्पेशल खांडवी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें गुजराती, साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है राजस्थानी टच मिलने वाला है। करंजिया, अच्छा घूगरा, भाई घूगरा खाया था गुजरात में, बहुत ही अच्छा था, कहीं मिले ना ट्राई जरूर करना आप लोग। मेथी पकौड़ा चाट है, ये आ गई है हमारी मेथी पकौड़ा चाट। तो ये कड़ी, अच्छा कड़ी के साथ। तो मतलब यहाँ पर हमें इस थाली के अंदर ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें मिल रही है, एकदम डिफरेंट, मतलब इतनी डिफरेंट चीजें हमें और थालियों में नहीं मिली थी दिल्ली के अंदर रह के। ये राजस्थानी स्पेशल दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा। तो ये हमारी राजस्थान की स्पेशल शान है कह सकते हैं आप। दाल, ये आ गई दाल, अमेजिंग। ये चूरमा, ये आ गया हमारा चूरमा। तो अभी तो भाई बहुत कुछ इस थाली में आना बाकी है, और ऊपर से घी, राजस्थान में मतलब ना अच्छे से घी खिलाया जाता है। ये चार तरह की अलग अलग सब्जी, तो भाई ये जैसलमेरी चना, अच्छा मसाला। अच्छा, तो ये देखिए चना मसाला का कलर देखिए, रंग देखिए, अमेजिंग। ये आलू टमाटर पालक सब्जी, आलू टमाटर पालक सब्जी। नेक्स्ट है हमारी टिंडोला मसाला, टिंडोला, टिंडोला मसाला। मतलब शक्ल ना सभी सब्जियों की इतनी ज्यादा टेस्टी लग रही है ना, देखने में ही कितनी ज्यादा टेस्टी है, एकदम बढ़िया तड़का वड़का लगा के यहाँ पे खिला रहे हैं। तो मुझे तो गुजराती से ज्यादा ना राजस्थानी टच ज्यादा अच्छा लगता है, आपको कौन सा अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। पनीर मिक्स वेजिटेबल, अच्छा पनीर मिक्स वेजिटेबल। नेक्स्ट है हमारी राजस्थानी कड़ी, ये राजस्थानी तड़का दाल। अच्छा राजस्थानी तड़का दाल, ये गुजराती दाल है, गुजराती दाल, खट्टी मीठी दाल। हाँ तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें इस थाली के अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं, और का अभी इंतज़ार है। ये तीन तरह की अलग अलग चपाती, तो भाई ये तीन तरह की अलग अलग चपाती रहती है, कोई पराठा टाइप्स बनाया हुआ है। ये हमारी कौन सी है, बाजरे की, बाजरे का रोटला है, रोटला, और ये हमारी कनक की फुलका रोटी, फुलका रोटी है। तो ये देखिए मकई पराठा, अच्छा मकई पराठा। ये बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी, साथ में गुड़, साथ में भाई गुड़, और ये हमारा देसी वाइट बटर, और ये घी। अरे वाह बहुत ही बढ़िया, मतलब इस थाली को देख के एक्चुअल में मुंह में पानी आ रहा है कि यार अच्छा एक और चीज आपको मुझे जब तक भैया सर्व कर रहे हैं मैं बताती जाती हूँ, सब बिरयानी। वाओ अमेजिंग, लुक एट द कलर ऑफ बिरयानी। तो भाई लड़कियों का यहाँ पे बहुत ही फायदा है, बिकॉज आपको यहाँ पर मिलेगा 40% डिस्काउंट ऑन वेनसडे, मतलब आपको हाफ प्राइस में यहाँ पर थाली मिलने वाली है वेनसडे को अगर आप आते हैं, खिचड़ी, और ट्यूसडे को वही ऑफर का मजा सब लोग उठा सकते हैं, 50% ऑफ आपको थाली में मिलने वाला है। तो ये खिचड़ी हमारा वेज बिरयानी आ चुकी है, पापड़, ये आ गया पापड़, भैया के तो हाथ ही नहीं रुक रहे इतनी सारी चीजें इस थाली के अंदर हमें मिल रही हैं, दिल खुश हो गया सच में इस थाली को देखकर। सेवैया खीर, तो ये आ गई हमारी सेवैया खीर, अमेजिंग। ये गाजर का हलवा, और ये है गाजर का हलवा, मतलब स्वीट में भी आपको दो चीजें मिल रही हैं। तो ये है हमारा गाजर का हलवा, और ये आ गई हमारी सेवैया खीर। ये हमारा मतलब दो भी नहीं तीन तीन चीजें मिल रही है, बोल रहे कि खिलाएंगे तो भाई अच्छे से खिलाएंगे। तो
सच में आज इस थाली को देखकर मजा आ गया, बहुत ही अमेजिंग ये थाली लग रही है दोस्तों। साथ में ये क्या है, रबड़ी। तो आई थिंक पूरी हो गई है थाली हमारी, क्या अभी भी कुछ बाकी है भैया? अच्छा, मसाला छाछ ये लीजिए। तो गाइज ये आ गया हमारा बटर मिल्क। शुरुआत करते हैं यहाँ पर, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें आज इस थाली के अंदर सर्व किया है। एक्चुअल में थाली इसे ही बोलते हैं। तो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं, बट आई एम रियली कन्फ्यूज कि स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। तो ये गुजरात का फेमस घुघरा है, इससे स्टार्ट करें हम। काफ़ी अमेजिंग है, बेसिकली दिल्ली का समोसा और गुजरात का घुघरा एक ही बात होती है। तो कुछ ये समोसे जैसा ही होता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी टेस्टी है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पर ट्राई राजस्थान का दाल बाटी। तो बहुत ही फेमस डिश है, अगर ट्राई नहीं की तो एक बार तो ज़रूर ट्राई करना। ये ट्राई करते हैं, इनकी जो बाटी है ना, इतनी देर से दाल में डिप हो रखी थी फिर अभी तक खस्ता है, बहुत अच्छी लगी, अमेजिंग। यहाँ पे चूरमा था तो ये भी ट्राई करते हैं। चूरमा यार घर में भी बनता है ना, ओए होए बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अमेजिंग है। चने की सब्ज़ी है, चने की सब्ज़ी ये जैसलमेर की बोली थी ना, तो ये है और देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, एकदम मसालेदार, अच्छे से तड़का लगाया हुआ है इन्होंने। चना जैसी जीप पे गया ना, अपना स्वाद छोड़ दिया उसने, इतना ज़्यादा टेस्टी है, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे राजस्थान की कढ़ी। तो भाई गुजराती कढ़ी की फ़ैन तो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, पर राजस्थानी कढ़ी की हूँ, क्योंकि गुजराती कढ़ी यार मीठी होती है और मुझे मीठी चीज़ें नहीं पसंद, एकदम तड़कता भड़कता तीखा मिल जाए मैं खुश हूँ, इसे बोलते हैं कढ़ी, एकदम खट्टी खट्टी सी, अमेजिंग, मज़ा आ गया। नेक्स्ट इन्होंने ना थाली के अंदर किए हैं हमें बिरयानी सर्व, और बिरयानी देखिए भाई कितनी बढ़िया लग रही है, तो ये भी ट्राई करते हैं, बहुत ही अच्छी। साथ में गुजरात की खट्टी मीठी कढ़ी यहाँ पे सर्व की है, दो जैसे कि मैंने बताया आपको आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मीठा खाना, तो ये ट्राई करते हैं, नॉट बैड, काफ़ी अच्छी है नो डाउट। तो इसके बाद हम लोग ट्राई करने वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ हैं, ये है आलू की सब्ज़ी, ये भी ट्राई करते हैं। तो राजस्थान की है ये, कुछ ना इसमें ना लाइक वो भंडारे वाली सब्जी होती है ना आलू की, वो लग रही है, और भंडारे वाली सब्जी का ना अलग टेस्ट होता है, तो ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छा इन्होंने ना ये इस थाली के अंदर ये चीज़ डिफरेंट सर्व की है, इसीलिए पकौड़ा है, कढ़ी है, कढ़ी इनकी देखते हैं मीठी है या कैसी है। नाइस, तो बेसिकली इन्होंने स्पेशली अलग से इनके लिए ये पकौड़े तैयार किए हैं, मीठी के पकौड़े, नाइस, अच्छे हैं। और जो इन्होंने ना एक अलग स्वाद दिया है इसके ऊपर, जो प्याज डाले हैं ना उसकी वजह से ना एक डिफरेंट ही फ्लेवर आ रहा है यहाँ पर, कच्चे प्याज का क्रंच आ रहा है जो बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम लोग ये मीठे में हमें इन्होंने तीन चीज़ें, तीन नहीं चार ही बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे चूरमा भी सर्व किया है, तो चार चीज़ें यहाँ पर टोटल हो गई। हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं सेवैया इनकी, तो सच में आ रही है थाली बहुत अच्छी है, ऑनेस्ट रिव्यू है, नाइस। तो मुझे मीठा नहीं पसंद पर मैं आप लोगों के लिए ट्राई कर रही हूँ, देखना ये मेरी थाली में बच के जाने वाला है ये सारी चीज़ें, तो ये भी ट्राई करते हैं। गाजर का हलवा काफ़ी अच्छा है, ओवर मीठा नहीं है, मतलब मीठा बहुत सही डाला हुआ है इन्होंने। इसके बाद हम लोग ये डाले खाने वाले हैं मालपुआ विद रबड़ी, तो इन्होंने ये मालपुआ प्रिपेयर किया हुआ है एकदम बढ़िया सा, रबड़ी के साथ सर्व किया है। यार इनके मीठे में ना एक बात ये है कि इन्होंने मीठा ज़्यादा नहीं डाला हुआ, तो ये चीज़ मेरे लिए तो भाई अच्छा पॉइंट है, मैंने आप लोगों के लिए ट्राई कर लिया ये। तो दोस्तों थाली तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी, अब बात करते हैं यहाँ के ऑफ़र्स की। यहाँ के इतने धमाकेदार ऑफ़र्स निकाले हुए हैं ना इन्होंने, तो मैं बताती हूँ, स्पेशली यहाँ पर वुमेंस के लिए निकाला हुआ एक ऑफ़र जो कि है वेंसडे का, वेंसडे को वुमेंस को यहाँ पर 399 रुपीज़ की थाली मिलने वाली है, मतलब 40% ऑफ ऑन थाली। उसके बाद
बात करें, उदास होने की जरूरत नहीं है, मेल्स को भी, मेल्स का भी पूरा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। यहाँ पर मेल को ट्यूजडे को, सिर्फ मेल को नहीं, मतलब जितने भी लोग आते हैं ट्यूजडे को, उनको थाली मिलने वाली है 325 रुपीज़ की, मतलब 50% ऑफ ऑन थाली। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देख पा रहे हैं आप, इस पर नाम लिखा है साक्षी, कॉलिंग ऑल द साक्षी टू अवेल अ फ्री थाली ऑन 25 जैन। तो भाई आज है साक्षी का दिन, यहाँ पर डेली इस वाले बोर्ड पे नाम जो है चेंज होंगे, कभी निशा होगा, कभी सोनाली होगा, कभी कोई होगा, कभी कोई होगा। तो भाई जिसका भी नाम उस दिन आया और वो यहाँ पर खाने आया, तो उसको मिलेगी थाली फ्री एकदम, आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। और आपके साथ जो होगा उसको थाली मिलेगी 399 रुपीज़ की, मतलब आपके साथ मेल आए, वुमेन आए, कोई भी आए, उसको 399 रुपीज़ की मिलेगी। और जो एक्चुअल थाली का प्राइस है वो है 629 रुपीज़। तो महंगी नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक अच्छा खाना मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम लोग आए हुए हैं राजधानी थाली, जो कि है कैनॉट प्लेस में, सीपी के अंदर। अगर आप लोग लंच या डिनर करना चाहते हैं यहाँ पर, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव वंस के साथ आइए, यहाँ पर डिनर कीजिए। मीन्स यहाँ पे 12 to 3:30 लंच के हैं और डिनर के टाइमिंग्स है 7 to 11। आइए यहाँ पर थाली ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अभी हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।